उस टाइम तो क्या भाई मायरा भर रहा था, तो भाई ने मायरा भर दिया, अब भाई को बहने भूल चुकी है, और हम सब युवा उम्मीदवार राम जी के साथ है और पूर्ण तन मन धन से साथ है। टक्कर तो कैलाश चौधरी और उम्मीदवार राम की रहेगी टक्कर। अच्छा भाई ने तो बहन को टॉफी खिलाकर राजी कर दिया, लेकिन भाई ने बहन को टॉफी खिलाकर राजी नहीं किया, बहन को विधायक बनाने में बहुत सहयोग भी किया था, क्योंकि पिछले दो बार से उम्मीद जी अपना जो मेहनत कर रहे थे उसमें कामयाब नहीं हुए, तो इस बार होना चाहिए क्या? उनसे क्या मतलब है, मोबाइल देने से कौन सा सुधार होता है, और पैकेट दिए तो उनसे क्या था, पैकेट के अंदर कुछ था ही नहीं, वैसे ये बना के पैकेट दिया, लॉलीपॉप देने से कोई विकास थोड़ा ही होता है। और इसने बलिदान भी बहुत दिए थे, जैसे लास्ट चुनाव में उम्मीदवार राम जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में थे, तो उन्होंने बाड़मेर में विधायक पद के जो प्रत्याशी थे उनको बहन प्रियंका जी के लिए बैठाया था, लेकिन आज जिनके लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था वो लोग भूल गए हैं, अब परिवार का सदस्य सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। और जैसलमेर से अहमदाबाद वाली लाइन है उसका बिछाने का काम भी होना चाहिए, और किसानों के लिए कोई भी अच्छा अच्छी योजनाएं लानी चाहिए, यही है। दोस्तों नमस्कार, लोकसभा चुनाव बाड़मेर जैसलमेर त्रिकोणीय मुकाबला है, और त्रिकोणीय मुकाबले पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है, चाहे जयपुर की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, हर एक बड़े नेताओं की जो है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर निगाह टिकी हुई है। एक तरफ युवा विधायक रविंदर सिंह भाटी जो है वो निर्दलीय चुनाव लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियों के बीजेपी के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल। बाड़मेर में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है, चाय की थड़ी पर है और यहाँ पर कुछ युवा बैठे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा भाई साहब क्या नाम है, कहाँ से? सर मेरा नाम भूराराम गोदारा है, मैं विधानसभा बायतू से हूँ। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर बाड़मेर जैसलमेर हॉट सीट जो है काफी हॉट है, क्या माहौल है? माहौल तो एक तरफा है उम्मीदवार राम बेनीवाल, क्यों? क्योंकि आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन है, और पिछले 10 सालों से ये बंदा मेहनत कर रहा है, हर परिवार हर सदस्य से जुड़ा हुआ है, और इसने बलिदान भी बहुत दिए थे, जैसे लास्ट चुनाव में उम्मीदवार राम जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में थे, तो उन्होंने बाड़मेर में विधायक पद के जो प्रत्याशी थे उनको बहन प्रियंका जी के लिए बैठाया था, लेकिन आज जिनके लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था वो लोग भूल गए हैं, वो उस टाइम तो क्या भाई मायरा भर रहा था, तो भाई ने मायरा भर दिया, अब भाई को बहने भूल चुकी है, और हम सब युवा उम्मीदवार राम जी के साथ है और पूर्ण तन मन धन से साथ है। भाई ने तो बहन को टॉफी खिलाकर राजी कर दिया, लेकिन भाई ने बहन को टॉफी खिलाकर राजी नहीं किया, बहन को विधायक बनाने में बहुत सहयोग भी किया था। कैसे? अपना प्रत्याशी को बैठा दिया, उस टाइम अमिता राम जी आरएलपी में थे, आज आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन है, और गठबंधन के साथ बाड़मेर जैसलमेर के युवा नौजवान बुजुर्ग किसान सब एक साथ अमित राम जी के साथ है। अमित राम जी तो पहले ही कांग्रेस परिवार से थे, उनको विधायक का चुनाव लड़ना था, अब परिवार का सदस्य सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं, और अमित राम जी वापस अपने परिवार में आ गए हैं, और अमित राम जी सांसद के जब प्रत्याशी चुने गए उसके बाद आरएलपी का गठबंधन हुआ, तो हमने तो दिल से हनुमान जी का भी स्वागत किया, वो भी अपने परिवार के सदस्य है, और हम सब लोग एक साथ अमित राम जी के साथ है। अच्छा भाई साहब आपका क्या नाम है, कहाँ से? नरेंद्र पुनिया, मैं बांद्रा से उतला के पास। इस बार क्या युवा क्या चाहते हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर, युवा क्या चाहते हैं? उम्मीदवार राम जी बेनीवाल भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले दो बार से उम्मीद जी अपना जो मेहनत कर रहे थे उसमें कामयाब नहीं हुए, तो इस बार होना चाहिए क्या? पूरे युवा है, बुजुर्ग है, लेडीज वगैरह है, सो भी उम्मीद जी के साथ। काफी लोगों का कहना है कि रविंदर सिंह भाटी जो है वो युवा है। वो युवा है पर ये युवा नहीं चाह रहे हैं ना कि वो युवा है। काफी क्रेज देखा जा रहा है बॉर्डर के क्षेत्रों में, उम्मीद जी के लिए भी काफी क्रेज है। अच्छा। उनका सोशल साइट पे अभी चल रहा है, उम्मीद जी का अभी स्टार्ट होगा। मोदी के नाम पर कैलाश चौधरी को वोट मिल रहे हैं, क्या लग रहा है? अभी मोदी जी के लिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। क्यों? नहीं सिटी में तो कौन सिटी नहीं है, ऐसे ही। अच्छा भाई साहब क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम मुरलीधर, बाड़मेर से। इस बार लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? बस कैलाश जी चौधरी जीत रहे हैं 2 लाख वोटों से, इसमें कोई संदेह नहीं है, अच्छी जीत होगी। गणित तो जातीय समीकरण है, बाकी राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और ऊपर भी मोदी की सरकार है, और अब की बार भाजपा का 400 प्लस का जो लक्ष्य है उस हिसाब से। कैलाश चौधरी मंत्री रहे, कौन से विकास में जीत रहे, कौन सा विकास करवाया बाड़मेर जैसलमेर में? पहले तो राजस्थान में
कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन जो यहाँ योजनाएं प्रभावी करते थे, जो पूरी तरह से यहाँ कांग्रेस लागू नहीं होने देती थी, स्मार्ट रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, ऐसी काफी बड़ी बड़ी योजनाएं जो हद तक काम चल रहा है उनपे, जो आने वाले समय में अहमदाबाद ट्रेन के लिए कभी से मांग चल रही है वो तो पूरी नहीं हुई, वो प्रस्ताव भेजा हुआ है और इस गवर्नमेंट में हो जाएगी। साथ में उमेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी, टक्कर किसकी है, तीनों में से टक्कर किसकी लग रही है? टक्कर तो कैलाश चौधरी और उमेदाराम की रहेगी टक्कर। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम हरी चौधरी है, बाड़मेर से। हाँ भाई, तू प्रॉपर गांव भाई तू है वैसे, काफी साल यहीं बाड़मेर। लोकसभा चुनाव, उमेदाराम बेनीवाल कुछ ही समय पहले आरएलपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की, और रविंदर सिंह भाटी युवा, एक तरफ कैलाश चौधरी जो मोदी के नाम पर लगातार वोटिंग मांग रहे वोट। देखिए, जिस तरफ युवा जाएगा उस तरफ जीत तय है, और पिछले कई वर्षों से देखें, 10 वर्षों से, तो मोदी जी के शासन में युवा भी अपने आप को एक स्वर्णिम काल के इतिहास की ओर जाने का अग्रसर जो मिल रहा है, उसमें युवा भी यही चाहता है कि इस बार राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, तो हम लोग भी बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र इस विकास में भागीदारी निभाएं। इसी वजह से कैलाश चौधरी की जीत दिखाई दे रही है। क्या काम करवाए कैलाश चौधरी ने मंत्री रहते हुए? मंत्री रहते हुए देखिए, काम तो काफी सारा है, करवाए क्या है, किसानों के लिए क्या काम करवाए? जो सबसे मेन इनके पास वो मंत्रालय था, वो कृषि मंत्रालय था, किसानों का। किसानों के लिए तो अग्रणी बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्र में देखें तो किसानों के लिए बाजरा सबसे मुख्य उत्पादक फसल है, और उस क्षेत्र में उन्होंने गुड़ा मालानी में बाजरा कृषि अनुसंधान जो तैयार करवाया है, और उसका काम भी चल रहा है शायद, तो इस वजह से। लेकिन कई सारी चीज़ें देखें, जिसमें एयरपोर्ट की स्वीकृति है जो कांग्रेस सरकार रहते हुए नहीं हो पाई थी, लेकिन पिछले 3 महीनों में वो भी स्वीकृति मिल गई है। काफ़ी ट्रेनों के बारे में भी अच्छा रहा है। वैसे देखा जाए तो सांसद के कार्यकाल को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। टक्कर किसकी होने वाली है तीनों में? अब देखो, ये तो भविष्य ही बताएगा कि चुनावी मोड 4 तारीख के बाद में किस तरफ जाएगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम अणदाराम है, मैं नांद गांव से हूँ। क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चौधरी जीत रहे हैं एक तरफा। कितने वोट? लगभग 2-2.5 लाख वोट से। अगर कैलाश चौधरी इस बार लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो क्या मेन मुख्य मुद्दे क्या होंगे, क्या काम जो है वो होने चाहिए सबसे पहले? ये बाड़मेर के अंदर एयरपोर्ट बनना चाहिए, और ट्रेनों की सुविधा है वो चल रहा प्रोसेस, उसके अंदर बढ़िया सुधार होना चाहिए, और जैसलमेर से अहमदाबाद वाली लाइन है उसका बिछाने का काम भी होना चाहिए, और किसानों के लिए कोई भी अच्छा अच्छी योजनाएं लानी चाहिए, यही है। उमेदाराम बेनीवाल युवा नेता है, और एक तरफ युवा नेता रविंदर सिंह भाटी विधायक बनने के बाद लोकसभा चुनाव में भी अपनी ताल ठोक चुके हैं। वो सब अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन सरकारें दोनों ही ऊपर भी बीजेपी की बनेगी पक्का, मोदी जी आएंगे, और राजस्थान में बीजेपी की है तो फिर दूसरी सीट निकालने में फायदा कुछ नहीं है, दूसरा लाने से क्या मतलब है। अच्छा, ऐसा क्यों? कांग्रेस कह रही है हमने खूब काम करवाया, हमारी सरकार थी राजस्थान में, चाहे फ्री में मोबाइल की बात करें, अन्नपूर्णा पैकेट की बात करें, हमने खूब काम करवाए। उनसे क्या मतलब है, मोबाइल देने से कौन सा सुधार होता है, और पैकेट दिए तो उनसे क्या था, पैकेट के अंदर कुछ था ही नहीं, वैसे ये बना के पैकेट दिया, लॉलीपॉप देने से कोई विकास थोड़ा ही होता है, वो मतलब नहीं है, वो विकास के क्षेत्र में नहीं आता है, वो तो सिर्फ बनाना चीज है। तो ये बाड़मेर जैसलमेर के कुछ युवा थे, तीनों प्रत्याशी को लेकर अपनी अपनी अलग राय जो है वो रखी है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाद आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है, आखिर कौन लोकसभा चुनाव जीतता है। राजस्थान राइज से मैं आपका साथी उमेद बैराणी, आगे की खबर के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।